Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? Hope कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी blessings, दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें. और आज की जो reading है, person on your mind, जो भी person आपके mind में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, आज ये वाली रीडिंग हम देखेंगे. और उनके डीप इमोशंस, उनके मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, तो यही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे. अपने पर्सन के बारे में दो से तीन बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, लेकिन पॉजिटिव होके सोचिए. ठीक है, ये जो टैरोट कार्ड्स रीडिंग्स होती हैं, चाहे आप किसी की भी देखो, मेरी देखो या किसी और की देखो, इसको आपने हमेशा पॉजिटिव होकर और अपने लिए गाइडेंस के तौर पर ही देखना चाहिए. ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग होती है. हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है जी, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है मेरी, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स फॉर ऑल साइंस. आज मैं कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग कर रही हूँ. आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, उनकी इनर्जीज और फीलिंग्स आज हम चेक करेंगे. चलें जी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रीडिंग्स मिल जाया करेंगी. लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वही मेरा रियल अकाउंट है. ओके, स्ट्रेंथ क्या है आपके पर्सन की? करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, डीप 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 इमोशंस आपको लेकर. और इमोशंस की बात की तो यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी आ गई है. चलें इनको हम देखेंगे क्यों ये एनर्जीज आई हैं या क्यों आ रही हैं. फैमिली कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसमें से आपको बहुत कुछ गाइडेंस भी मिलेगी. लव एंड एक और लूँगी और फिर मैं इसको क्लैरिफाई करके आपको बताती जाऊँगी. प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड. क्या है इनकी करंट एनर्जीज, डीप इमोशंस? यहाँ पर बात करंट एनर्जीज की तो हो रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर बात डीप इमोशंस की भी हो रही है. ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा. इसीलिए मैं मैसेजेस भी लास्ट में चेक करूँगी. ठीक है, विद दीज कार्ड्स हम मैसेजेस भी चेक करेंगे लास्ट में, क्योंकि डीप डाउन ये पर्सन हैप्पीनेस क्या फील करते हैं. और हैप्पीनेस के साइड में आप देख रहे हो बटरफ्लाइज एंड यहाँ पर बर्ड भी है. ओके, बॉटम एनर्जी फॉरगिवनेस की है. लेट मी क्लैरिफाई, उसके बाद फिर मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आई हैं, इनकी एनर्जीज, करंट थॉट्स या करंट एनर्जीज इनकी, और डीप इमोशंस. ठीक है, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे आए हैं कि डीप इमोशंस इनके क्या हैं. व्हाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज़ हियर, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? इस कार्ड में स्पेशली स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है ना, इस कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर बेबी टाइगर्स हैं. लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड. पीछे फुल मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है. यहाँ पर छोटे छोटे बेबी वो हैं, क्या टाइगर हैं, क्या होते हैं यार उनके छोटे बेबीज होते हैं, वाओ ये वाले छोटू छे, तो उनको इन्होंने संभाला हुआ है. अपने इनर चाइल्ड से, जैसे होता है ना, अपना इनर चाइल्ड है ये, इनका अपना ही बचपन है, जिसको मुझे लगता है इस पर्सन के बचपन में कुछ ट्रॉमा रहा होगा. अब आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी फैमिली में कोई ट्रॉमा रहा है, मदर या फादर के बीच में कोई ट्रॉमा रहा है. लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं. फाइव ऑफ पेंटिकल, यस फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है. यस बिल्कुल, मुझे लगता है कि
इस पर्सन की लाइफ में एक नहीं एक से ज़्यादा ट्रॉमास रहे हैं। इस पर्सन में मतलब इस पर्सन ने हमेशा से ही अपने आप को हील करना, अपने इनर चाइल्ड को हील करना, आगे बढ़ना, अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करना कि चीज़ों को नए सिरे से नए तरीके से देखा जाए, बहुत बहुत इस पर्सन ने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप बोलोगे मैम ये तो मेरी एनर्जी है, ठीक है, तो यस ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सोल कनेक्शन हो सकता है, दैट्स वाई आपको ऐसा लगता है। इस पर्सन को लिटरली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हुआ, क्यों? बचपन में इनके मदर या फादर जो है ना, मुझे लगता है सेपरेटेड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी हारमोनी को दिखाती है। कपल्स दो हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर ये अगर आप देखो फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है, यहाँ पर ये जो लेडी हैं ये बच्चे को हाथ थामा हुआ है, और यहाँ पे इनको अकेले लेके बर्फीली सी तूफ़ानी रात है, और इस बच्चे को लेकर जा रही हैं अकेली अकेली। या तो इनकी मदर ने ये स्टेप लिया है इनके बचपन में, ठीक है, या तो ये खुद सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये खुद, आप भी हो सकते हो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, मतलब इन्होंने अकेले। अच्छा, अगर ये सिंगल पेरेंट नहीं भी हैं, लेट्स से अगर ये सिंगल खुद ही सिंगल हैं, कोई बच्चा कोई शादी कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, तब भी इस पर्सन ने इन तूफ़ानी रातों का अकेले में सामना किया है। मतलब ये बंदा बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा इस पर्सन को थोड़ा समझिए, ठीक है, इस पर्सन को समझने वाला चाहिए कोई, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको जज करोगे तो ये आपको उल्टा उसका नेगेटिव चीज़ वापसी में देंगे। जज नहीं करना है, क्योंकि ये बचपन से ही अकेले पड़ गए थे, इनके सेपरेशन हुई है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार शादी करना या हारमोनी में जाना, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, यू नो, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार होती हैं। ये इनकी करंट थॉट्स हैं, ठीक है, इनकी करंट एनर्जीज हैं। और अगर ये आपके मुझे ऐसा फील होता है कि कोई न्यू पर्सन है, बट अगर आपके कोई एक्स हैं, लेट्स से अगर कोई पास्ट वाले कोई ये पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो मैं तो सबकी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे सबके बारे में बताना है। तो अगर ये कोई पास्ट वाले पर्सन है जिनके बारे में आप रीडिंग देखने के लिए स्पेशली आए हो, तो इस पर्सन ने अगर आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, आपको छोड़ दिया था, उस वक्त छोड़ा था जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यकीन माने कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट इस पर्सन के अंदर ना वो हिम्मत नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं, ये पावर स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, बहुत स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनको इनका कार्मा मिल रहा है, इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और हारमोनी कहीं कर ली थी, शादी कर ली थी, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी बॉटम में ना, तो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, मैं पंखा बंद कर देती हूँ, ठीक है, वेट, ओके, क्योंकि ये ना थोड़ा स्टैंड ऐसा है मेरा कि वो पंखा जब चलता है तो आई डोंट नो ये हिलता क्यों है, मैंने अपनी जगह चेंज की है, सो, मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर गर्मी सही, लेकिन आपके लिए हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी क्यों है, मैम आपके पास एसी नहीं है, आई एम हेयरिंग, हाँ नहीं जी नहीं है, यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस फ्रेंडशिप इज़ हेयर, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर भी लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे दिख रही है, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन बहुत दुखी थे, ठीक है, बहुत अंदर से पेनफुल एनर्जी, अपने आप को बहुत बैलेंस में रखना, अपने आप को चीज़ों से बाहर निकालना, जो इनर इनका जो चाइल्ड इशूज़ रहे हैं उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालना, फैमिली की दिक्कतें या परेशानियाँ रही हैं, या अगर ये सिंगल हैं तो
तो बहुत दर दर की ठोकरें खाना, ठीक है। आप जब से इस पर्सन की ज़िंदगी में आए या जब से आपके साथ फ्रेंडशिप हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जो अभी फ्रेंड जोन में ही हैं, रिसेंटली आप इनसे मिले हो, फ्रेंडशिप हुई है, अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत ये पर्सन बैलेंस में है। ये पर्सन जब आपसे बात करते हैं ना, तो जैसे होता है ना, मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, बंदे को नाचने का दिल करता है, यार मेरी तो कोई एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। यू नो, नाइन ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट का एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है यार यही तो पर्सन मुझे चाहिए था, लेकिन अभी फ्रेंडशिप जोन में ही हो, ठीक है। तो मतलब फिर वो सोचता है पर्सन के, यार नहीं अभी हम फ्रेंडशिप ही अच्छे हैं, फ्रेंड्स ही अच्छे हैं, एक दूसरे को जान लें, समझ लें। क्यों, इसीलिए ना ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं। आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन, इनकी आँखें कुछ और ही बोल रही हैं, ज़बान से कुछ और ही निकल रहा है, इनके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बता रहे होते हैं। मतलब आपको फील होता है कि इसको मेरे साथ बहुत खुशी महसूस होती है, बट ये बोल नहीं पा रहा होता है, यानी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कम बोलते हैं, या तो क्योंकि फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप का एक लिहाज रखते हैं। और अगर कोई पास्ट वाला पर्सन है तो ये पर्सन आपसे दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आप क्योंकि आप इस पर्सन के लिए एक ख्वाहिश की तरह बन चुके हो अब, जबकि अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की अपनी फीलिंग्स को कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ये हैं वहाँ पर इनको अच्छा फील नहीं होता है, वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को यू नो एक थोड़ा काम रखें, कूल रखें, अब कोई भी परेशानी तो उसको अपने फेस पर आने ना दें। या नाइक, देखो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन, तो अपने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू या अपना द वे ऑफ ड्रेसिंग, अपनी ड्रेसिंग के थ्रू या अगले लोगों को ये बोल बताते हैं, यानी समझाते हैं कि मैं तो भाई ओके हूँ, मैं तो खुश हूँ और मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन अंदर से पेन है, टेम्परेंस। अंदर से ये बंदा, एक पैर अगर इसका पानी में है तो दूसरा इसका पैर जो है वो ज़मीन पर है, यानी कि ये बैलेंस करने की कोशिश दिन रात लगातार कर रहा है। ये आपसे एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस वो जगह दोगे या नहीं दोगे। मुझे नहीं लगता कि दोगे, या मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए भी, आपकी मर्ज़ी है बहरहाल। लेकिन दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो एक बार अगर कोई इंसान आपके साथ करे ऐसा तो दूसरी बार उस पर भरोसा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। चलो यहाँ पर फैमिली को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली की एनर्जी क्यों आई है भाई, ये भी बता दीजिए। ओके, फैमिली को यहाँ पर फोर ऑफ वेंड्स ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। सिंपल सी बात है यार, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, देख रहे हो प्यार जो है अब उमंड उमंड के बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर जो मैं शुरू से एनर्जीज पिक करती आ रही हूँ ना, उसी तरह आपको बता रही हूँ, राइट। एक एनर्जी न्यू है, एक एनर्जी पास्ट के पर्सन की है। तो जो लोग पास्ट की पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं उनकी भी एनर्जी साथ साथ निकल रही हैं, और जो लोग न्यू पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं उनकी भी साथ साथ निकल रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को कवर कर रही हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हुई है, यानी कि रिसेंटली कोई एक दो महीने, चार महीने, पाँच महीने हुए हैं, एस ऑफ कप्स ये पर्सन, अगर और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है ना, तो आने वाला है, ये नया पर्सन है, कोई न्यू, मैंने कहा ना बिल्कुल न्यू और फ्रेश एनर्जी है, मुझे एकदम बहुत फ्रेश एनर्जी फील हो रही है। एस ऑफ कप्स, एस की जो एनर्जी होती है ना वो न्यू बिगिनिंग्स की होती है, फ्रेशनेस की होती है, न्यू स्टार्ट की होती है, नए पर्सन की है यहाँ पर। विद दिस फोर ऑफ वेंड्स ये पर्सन ना आपको अपनी फैमिली से या तो मिलवाना चाहते हैं, या तो ये आपको अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। द वे आप जिस तरह से लविंग हो, केयरिंग नेचर है आपकी, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स हमेशा प्यार भरा मन होता है, तो आपका जो नेचर है ना वो इस पर्सन को फैमिली की तरह लगता है। इस पर्सन को लगता है आप इनको ना बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, बहुत अच्छा बिहेवियर है आपका, और इनको ये भी लगता है कि आपको इनवाइट करना चाहिए अपनी फैमिली में। तो ये अपनी फैमिली में ना आपको इनवाइट करना चाहते हैं, किसी न किसी से मिलवाना चाहते हैं फैमिली में, मदर से, फादर से, जो भी हैं, अगर सिर्फ मदर हैं तो मदर से, सिर्फ फादर हैं तो फादर से, या इनकी कोई ग्रैंड मदर हैं, आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पर। मुझे एक ओल्ड लेडी मुझे नज़र आ रही हैं,
चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं। उनके ना थोड़े से बाल ऐसे सफ़ेद हैं, बहुत ही कैसी एनर्जी है उनकी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही यार बहुत ही मैच्योर और साफ़ सुथरी सी, एक बहुत प्रिविलेज लेडी नहीं होती है जो बहुत आपको प्यार देना और आपको मतलब वो केयरिंग लविंग वाली एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। वाइट कलर नज़र आ रहा है मुझे, उन्होंने ड्रेसिंग जो की हुई है लाइट सा ब्लू जिसके ऊपर छोटे छोटे से फूल हैं, आई डोंट नो बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेडी हैं, बट ओल्ड लेडी हैं कोई, उनसे वो इनकी फैमिली से ही हैं कोई, वो उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको बताया भी हो या हिंट दिया हो या साइन दिया हो कि मेरे घर आ जाओ या खाने पर आ जाओ या लंच पर आ जाओ, मेरी ग्रैंड मदर या मदर जो भी हैं वो मिलना चाहते हैं या किसी फैमिली इवेंट में आपको इनवाइट करना चाहते हैं। कुछ तो भाई इस पर्सन के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, वहाँ पर ये पर्सन आपको मे बी प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ भी फैमिली ही देखते हैं, फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं आपको, फैमिली बनाना चाहते हैं आपको क्योंकि इनको पता है आप बहुत अच्छी मदर बन सकती हो, बहुत अच्छे फादर बन सकते हो, आपके साथ एक अच्छी फैमिली क्रिएट की जा सकती है। और ये भरोसा इनको बहुत मुश्किल से आया है किसी पर क्योंकि इनका भरोसा ऑलरेडी बचपन से टूटा हुआ है, तो आपने इनका भरोसा या इनको दोबारा हील किया है। इन्होंने खुद को फॉरगिव करना और अपने फादर या मदर जो भी इनका इश्यूज़ हो उनको फॉरगिव करना आपसे सीखा है। आप इनकी तरह एक इनके लिए ना एक मेंटोर की तरह हो, एक गुरु की तरह हो, आपने इनके ज़िंदगी में वो काम किया है। और जो पास्ट वाले पर्सन हैं, जो दूसरा सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ये जो पास्ट पर्सन हैं इन्होंने अगर फैमिली की वजह से आपको ऑब्वियसली छोड़ा था या फैमिली इश्यूज थे आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका केयर, आपका लव, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन अब आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उधर से बाहर निकल के एक नई फ्रेश शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगेन मैं यही बात करूँगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये न्यू फ्रेश शुरुआत चाहिए या नहीं चाहिए। अगेन मैनिफेस्टेशंस आपके हाथ में है क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जो है वो फैमिली देखते हैं। बहरहाल जो डीप अगर इमोशंस की बात की जाए ना, डीप डाउन जाकर बात देखी जाए, तो डीपली ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, मानते हैं, फैमिली मानते हैं। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है, जो कि मूवमेंट को दिखाती है। लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया था पास्ट के पर्सन ने, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। वाई दिस पर्सन, क्यों बात करना चाहते हैं बताओ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश इतनी मुझे आती नहीं है बाय द वे, सेवन ऑफ पेंटिकल क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठीक है, बस ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी आपसे शेयर करेंगे कि हम क्या थे और क्यों टैरो रीडर हुए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपना शेयर कीजिएगा, तो कभी हम शेयर कर लेंगे आपसे ये भी बात, ये भी कहानियाँ। तो यहाँ पर देखो सेवन ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है इस पर्सन ने ना करियर को लेकर, करियर की वजह से बहुत प्रैक्टिकल फैसला किया था। एक जगह आप थे, एक जगह करियर था, तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने ना पैसे को चूज़ किया, मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पंडा इस पर्सन की ना, आई एम सो सॉरी, पर इस पर्सन की लाइफ में आप प्रायोरिटी नहीं थे, पैसा रुपया या फिर बहुत प्रैक्टिकल बंदा, तो इस पर्सन ने विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला किया और आपको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाया। अब ये पर्सन ना, इस पर्सन को पता चल रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ, प्यार भी बहुत अहमियत रखता है, मैंने प्यार को खो दिया पैसे के चक्कर में, अब ये प्यार वापस कैसे मिले भाई, मसला ये है, अब ये प्यार वापस कैसे मिले, अब बात करनी पड़ेगी उससे कि क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हो या रखना चाहती हो, क्या है तुम्हारे इरादे, क्या वापस मुझे वो प्यार मिल सकता है तुमसे, क्या फैसला है आपका। पर ये पर्सन ना थोड़ा झिझक भी रहे हैं आपसे बात करने में क्योंकि ना बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, जिस बहुत ही कोल्ड डिटैच्ड किस्म का बंदा है, थोड़ा डर भी रहे हैं आपसे बात करने के लिए बिकॉज पैसा इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। और
अगर ये न्यू पर्सन है तो खैर इनसे तो आपकी बातचीत हो ही रही है, वक्तन फोक्तन होती रहती है बातचीत, तो ये ना अब थोड़ा पैसे से हट कर, पहले ये बहुत प्रैक्टिकल होते थे, कोल्ड होते थे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा चला है और आपने इनको फॉरगिव करना सिखाया है, तो ना ये आपसे प्यार सीखे हैं, आपसे लव करना सीखे हैं, तो ये पर्सन आपके सामने अपना वो जो है ना सच्चाई या क्या बोलते हैं खुलकर सामने आना बताने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से बताएंगे, कोई हिंट देंगे या फिर आप फील कर लोगे, देखोगे, क्योंकि इन्होंने लव को चूज़ किया है। अब ये लव को चूज़ करना चाहते हैं, एक पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो की तरफ जा रहे हैं। वाई दिस हैप्पीनेस इज़ हेयर, और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी बॉटम में क्यों है इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस हैप्पीनेस इज़ हेयर कार्ड खुद से नहीं आ रहे हैं, डेक शायद बहुत हार्ड है ना इसीलिए। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एक्यूरियस की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एक्यूरियस और लीब्रा की दिख रही हैं, ठीक है। वैसे तो सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आते जा रहे हैं, मैं बताती जा रही हूँ, तो एक्यूरियस और वाटरी एनर्जी बहुत है, तो इमोशनली तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो द स्टार, स्टार का मतलब ही यही है कि वो पर्सन आपको अपनी खुशी, आपके साथ अपनी खुशी देखता है, आपको प्रेयर्स में, दुआओं में जो है वो याद रखता है और अपनी खुशी चाहता है आपके साथ। और दूसरा जो पास्ट वाला जो पर्सन है, अगर कोई पास्ट का सिनेरियो आप पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन उम्मीद लेकर आपकी तरफ आएंगे कि क्या पता एक उम्मीद की छोटी किरण है कि क्या पता बात करूं तो आप उनको एक्सेप्ट कर लो या आप मतलब उनको खुशी मिल जाए, एक उम्मीद है, एक उम्मीद के तहत ये बंदा आगे बढ़ सकता है, बंदा या बंदी जो भी है। बट लगता ये है कि हमेशा ऐसे होता है आप दोनों के बीच कि जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पर सब ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है सब ख़त्म, अब कोई उम्मीद नहीं है, वहीं से फिर से शुरुआत हो जाती है। कुछ ना कुछ तरीका होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसा कुछ आ जाता है सामने कि आपको बात करनी ही पड़ती है, आप बात करने पर मजबूर हो जाते हो, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो ना, तो आप प्यार भी बहुत करते हो इस पर्सन से, ऐसा नहीं है नहीं करते हो। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है, तो हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि लव आया है, 11-11 आया है, ट्विन जर्नी भी हो सकती है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इनके साथ आपका। और यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी है, क्योंकि मैं बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही थी। टू ऑफ पेंटिकल, पहले ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में थे, इनको या डेविल एनर्जी में थे कि मुझे किसी को माफ़ नहीं करना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करना, मैं ही ये, मैं ही वो, मेरे साथ गलत तुमने किया, फलाने ने मेरे साथ गलत किया, फैमिली ने मेरे साथ गलत किया, अम्मा अब्बा ने मेरे साथ गलत किया, हाय बस सर पकड़ के बैठे हुए हैं, हाय 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 मेरे साथ सब गलत हुआ, वो नहीं होता रोल अप आर दिया। तो अब ये पर्सन बहुत कंफ्यूज, जगल करना चीज़ों को, आपने इस पर्सन को वो चीज़ को ठहराव दिया है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने इस पर्सन को, इस पर्सन के अंदर से इमोशन से, द मून स्कॉर्पियो एनर्जी है, आपने इस पर्सन को अंदर से उन इमोशंस के साथ यू नो कनेक्ट करवाया है या कनेक्ट करना सिखाया है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फुल मून, आप इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हो, इंट्यूटिव हो आप, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो आपने ना कहीं इस पर्सन को समझाया ये बात कि यार फॉरगिव कर दो और आगे बढ़ो, अपने इस एडिक्शन से बाहर निकलो, ये जो जगल करते रहते हो ना इससे बाहर निकलो। और अगर ये कोई पास्ट वाले पर्सन हैं तो सीधी सी बातें, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक ट्विन या कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको एक सबक सिखाया, लेसन सिखाया, वो सिखा चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। तो वो मे बी ये भी पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आए, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो। डीपली देखा जाए तो ये पर्सन आपके, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, चाहे बात करें या ना करें, दूर से भी सही, लेकिन ये पर्सन आपके साथ, आपसे ना फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये बंदा कहीं ना कहीं अपने एडिक्शंस में भी फंसा हुआ था, इसीलिए भी ये बंदा थोड़ा जगलिंग की एनर्जी में था। और अगर इन्होंने आपको दो सिचुएशंस को लेकर जगल किया और इन्होंने अपने एडिक्शंस को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया, समटाइम्स पैसा जो होता है ना, पैसा, मनी, वो भी एडिक्टेड होते हैं कुछ लोग के, यार मुझे पैसा कमाना है, तो वो भी फिर ना प्यार को हटा देते हैं, पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, तो उस चीज़ का इस पर्सन को पछतावा है। बहरहाल देखो, पछतावा होना भी बहुत बड़ी बात है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो बेशक आप उनको अपनी ज़िंदगी में मत रखो, लेकिन अपने पीस के लिए माफ़ कर दो अगर आप चाहते हो तो।
ठीक है। तो अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। डीप डाउन तो ये भाई बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं। एक इमोशंस हैं तो दूसरी तरफ पैसा भी है। जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब तो डेविल है तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कैंसर, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, यानी कि अर्थ और वाटर का भी कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा होता है। देखो, एक तो होता है वाटर एंड फायर का एनर्जी, तो वो तो मेरी नज़र में ऐसा मुझे लगता है जैसे यार ट्विन जर्नी है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। एक आग है तो दूसरा पानी है और दोनों बैलेंस करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो आपको पता है क्या होता है। तो एक होता है सोल कनेक्शन, बहुत प्यारी मैं बता रही हूँ आपको मिसाल। एक होता है सोल कनेक्शन, मिरर सोल, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों का लाइफ का ट्रॉमा सेम ही है, दोनों ने सब कुछ सेम ही चीज़ झेला है ना। तो उसमें क्या होता है, अर्थ एंड वाटर एनर्जी, यानी एक अर्थ है, ठीक है, और वाटर। जब आप अर्थ में, ज़मीन में, धरती माँ, धरती कहते हैं ना, धरती, उसमें ज़मीन में, अर्थ में जब आप पानी डालते हो तो उसमें से कुछ उगता है। यानी अब आपने बीज डाला, अगर आपने अच्छा बीज, कहते हैं ना, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे। तो फिर उसको आपने क्या करना होता है, पानी देना होता है। जब आप पानी देते हो तो वो बीज उगता है ना। तो अर्थ और वाटर का एनर्जी ऐसा है कि ग्रोथ का एनर्जी है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। जब एक ज़मीन है, उस ज़मीन में कुछ भी नहीं है और उसमें पानी डाला जा रहा है, तो फिर उसके अंदर से वो ग्रोथ हो रही है, किसी भी पेड़ की, पौधे की, फूल की, किसी अनाज की, किसी पेड़ की, वो ग्रोथ हो रही है। तो रिश्ता ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सोल कनेक्शन, आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हो, आस्ता आस्ता लव की तरफ जा रहे हो। जो लोग न्यू कनेक्शन में है ना या आने वाले हैं, उनके लिए ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव और बहुत बेस्ट होने वाली है। और जो लोग किसी पास्ट पर्सन के ही बारे में देख रहे हैं, है तो आपके लिए भी, क्योंकि वो फॉरगिवनेस तो चाह ही रहे हैं आपसे। अब आप देख लीजिए आपको क्या मतलब करना है। इनके मैसेजेस देखते हैं, व्हाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट, तो आपसे पूछ रहे हैं अभी भी आप ही से पूछ रहे हैं। देखो ना, इस जुदाई का जो मामला है आप दोनों के बीच, अभी भी उसमें सवालात ये खुद से ही आपसे कर रहे हैं। यानी ये पर्सन विक्टिम एनर्जी बहुत प्ले करते हैं। ये भी है कि ये पर्सन जैसे डेविल की एनर्जी थी, तो ये एडिक्टेड हैं ये पर्सन। यस, ये विक्टिम प्ले बहुत करते हैं। आई मिस यू, ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। वाओ, प्यार तो बहुत करते हैं भाई। दवे इमोशंस यहाँ पर बहुत हाई हैं, और जब इमोशंस अर्थ के साथ मैच हो जाते हैं ना, वाटर और अर्थ की एनर्जी, देन फिर क्या होता है, फिर ग्रोथ होती है, एक नया कनेक्शन उभरता है। मे बी इस कनेक्शन में भी कुछ नया उभरे, नए सिरे से सब कुछ शुरू हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है बाय द वे, इसको पॉजिटिव वे में ही देखना। फैसला आपने करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। तो वही मैंने कहा ना अभी, कि फैसला आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। क्योंकि वो तो अभी भी थोड़ा और टाइम आपसे ले रहे हैं, थोड़ा और टाइम आपसे मांग रहे हैं। आपका फैसला क्या है, कि आप टाइम देना चाहोगे या आगे बढ़ना चाहोगे। आवर लव विल नेवर चेज टू एक्सिट, है ना। हाँ, तो भाई प्यार बहुत करते हैं, इनको लगता है हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बाहर निकल सकता, मेरे दिल से तुम कभी नहीं निकल सकते हो। कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम, तो आपका नाम इन्हें बहुत पसंद है बाय द वे। इनका नाम वी से आता है, एम वी पी डब्ल्यू जेड एच। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। अभी भी याद हो आप, वो मुझे लगता है कोई दिन आपने साथ में मनाया है, या फिर रिसेंटली आपका कोई बर्थडे वगैरह आने वाला है, तो उसमें ये आपको हो सकता है बात आपसे ना करें, ठीक है,
हो सकता है कि मैसेज आ भी जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे अगर ये बात नहीं भी करेंगे ना उस टाइम आपसे, तब भी वो जो दिन आपने साथ सेलिब्रेट किया था बर्थडे का, या इनका बर्थडे है या आपका बर्थडे और आप साथ में सेलिब्रेट करते थे, तो ना ये उस दिन को बहुत याद करेंगे आप। मतलब जारी बात है, आप नहीं होगे तो आपकी कमी तो होगी ना, तो वो याद करेंगे उस दिन को, या जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे उस दिन को बहुत याद करेंगे। आई ड्रीम अबाउट यू, अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं, बिकॉज फैमिली है, फोर ऑफ वैंड्स है। अब कब तक ये अपने इस ड्रीम को पूरा करते हैं वो तो भाई साहब यही जानते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते। आई विल बी फाइटिंग अ बेटर आई कैन विन, आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। ओके फाइन, ठीक है, मैं समझ गई। बैटल जो होता है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, आपसे सवाल बहुत करते हैं ये, अपने बारे में कम बताते हैं, अपना मतलब अपने बारे को विक्टम एनर्जी, अपने जब बात आती है तो विक्टम एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। अपने किसी एडिक्शन से, बहरहाल ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में ऐसी जो दिक्कत इनको दे रही हैं, जिनसे इनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपसे सवाल बहुत करते हैं। इनको लगता है कि एक मुसलसल दिक्कत है, जंग है जो ये लड़ रहे हैं, लेकिन उससे जीत नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा फिर कोशिश करता है, गिव अप नहीं करता। मतलब ये है कि रखना तो है आपको अपनी ज़िंदगी में, बट नहीं भी रखना है तो ना आपसे सवाल बहुत करते हैं, विक्टम एनर्जी में चले जाते हैं। वेरी हैवी एनर्जीज। वैसे खैर बहुत पॉजिटिव भी रीडिंग आई है, आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। अगर रीडिंग्स आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।